Hi guys, today I'm going to tell you that how to repot fire sticks or sticks on fire. So guys, as you see, this is my fire stick. So guys, आप देख सकते हैं एक बहुत ही छोटे पॉट में है, इसकी जड़ें से बाहर आ रही हैं। तो गाइस हम इसको इस पॉट से बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं वो नीचे जो जड़ें आई हुई हैं वो टूट जाएंगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, क्या हम इस पॉट को तोड़ दें। सबसे पहले गाइस हम इसको नीचे ऐसे रख देते हैं। तो गाइस अब हमें एक हथौड़ा लेना है। तो गाइस ये मेरे पास हथौड़ा है, अब आपने इसको क्या करना है, इसको यहाँ से हल्का हल्का मारना शुरू करना है। गाइस अब आप देख सकते हैं हमारा पॉट टूट चुका है, मैंने इसको यहाँ से भी तोड़ना है। ओप्स। तो गाइस ये पूरी तरह से टूट चुका है, हमने इसको सिंपली यहाँ से निकाल लेना है। गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जड़ें, इसका पॉड ज्यादा बड़े ही था जिसकी वजह से इसकी जड़ें बहुत छोटी हैं। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ये पॉड चूज किया है, ये इसकी नेट पर काफी बड़ा है। तो गाइस सॉइल के लिए मैंने 50% मिट्टी, 30% रेत, 10% कंपोस्ट, लीव कंपोस्ट और 10% पुमाइस लिया। तो गाइज अब हम इसमें सॉइल डाल लेते हैं। गाइज मैंने इसके नीचे वाले सरफेस पे मिट्टी डाल दी है, एक लेयर बिछा दी है सॉइल की। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले मैंने इसकी प्रूनिंग करनी है। तो गाइज सबसे पहले हमने ये वाली ब्रांच काटनी है इसकी, एक ये वाली, ये जो नीचे है। तो गाइस अब हम इसको काट लेते हैं। गाइस ये कट गई है, हमें इसको यहाँ से खोल लेते हैं। गाइस आप ये देख सकते हैं यहाँ थोड़ी सी टूटी भी हुई थी पहले, ये हल्का सा इसके साथ जुड़ा हुआ था, ये नजर आ सकता है ये हल्का सा ग्रीन कलर का हिस्सा जुड़ा हुआ था जो भी हमने काटा है। गाइस इसको साइड रख लेते हैं। अब हमने इसकी ये वाली ब्रांच काटनी है, ये वाली। गाइस हमने ब्रांच काट ली है, फिर हम साइड रख लेते हैं, हम इसको घुमा लेते हैं थोड़ा सा। गाइस मेरे ख्याल से यहाँ से एक और ब्रांच काट लेते हैं, हम यहाँ से ये ब्रांच काट लेगा। तो गाइस अब हमने इसकी प्रूनिंग कर ली है, तो हम इसको अब पॉट में लगा लेते हैं।
गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सबसे पहले नीचे एक लेयर बिछा ली है सॉइल की, इसको इसके ऊपर रखते हैं, अंदर रखते हैं इस तरह। अब हम इसके साइडों पे सॉइल डाल लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको सॉइल से भर दिया है और इसको यहाँ पे लगा दिया है। ये हमारी कुछ कटिंग्स हैं, मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि इनकी कटिंग्स को कैसे लगाया जा सकता है। आप गाइस देख सकते हैं इसको काफी अच्छा लग रहा है इस दुनिया में। तो गाइस इसकी जो ये वाला हिस्सा है, ये वाली हिस्से की ग्रोथ हो रही थी, ये वाली हिस्से की नहीं हो रही थी, वो इस वजह से हुआ था क्योंकि इसका जो फेस था वो सूरज की तरफ था और इसका जो था वो सूरज की तरफ नहीं था, बिल्कुल ऑपोजिट था। अब मैंने इसका जो फेस है वो सूरज की तरफ कर दिया था। आप देख सकते हैं इसकी भी ग्रोथ हो रही थी, होना शुरू हो गई थी। गाइस मैं सोच रहा हूँ कि इन हिस्सों को कट करके लेदर से पोर्ट में लगा के इनका फेस दोनों का फेस सूरज की तरफ कर दूं ताकि दोनों की ग्रोथ हो। तो गाइस ये था एक आसान सा तरीका अपने फायर स्टिक्स को रिपोर्ट करने का। गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।